अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रा क्रिएशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड आज हम बनाएंगे गिलास वंट। वीडियो काइंडली एंड तक देखा करें और लाइक कमेंट जरूर किया करें। जो मेरा चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी न्यू वीडियो का जल्द से जल्द आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले आपने करना क्या, आपने पिक स्लैब में आना है जो कि मैं रेडी आ गया हूँ। अब आपने यहाँ पर एडिट में आना है। एडिट में आने के बाद आपने सिंपली फ्रेंड यहाँ पर नेम टाइप कर देना है। कोई भी आप नेम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर नेम टाइप करूँगा डॉल। डॉल लिखने के बाद आपने सिंपली ए बी वाले ऑप्शन में आना है। फॉन्ट्स में पिक्सलैब के अपने फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में ये बात आप लोगों को बताई। रिसेंट में वो फॉन्ट्स होते हैं जो आप यूज़ करते हैं वो इधर आ जाते हैं, चाहे वो पिक्सलैब के हैं चाहे आपने खुद अपनी मर्जी के ऐड किए होते हैं माई फॉन्ट में, ठीक है। माई फॉन्ट में वो फॉन्ट्स होते हैं जो आप खुद ऐड करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ऐड करने का नहीं पता नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी तरीके के साथ ऐड कर लेंगे। अब आपने इसकी पैडिंग करनी है, लेफ्ट पैडिंग राइट पैडिंग, ठीक है। पैडिंग भी मैंने कर दी, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देना है। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद आपने इसको 240 पे रखना है। अब आपने यहाँ पर आपके ऑप्शन मिलेगा कॉपी का, आपने इसकी कॉपी कर देनी है। कॉपी करने के बाद आपने करना कि आपने फ्रेंड यहाँ पर ए बी सी लिखना है। ए बी सी लिखने के बाद आपने फिर ए बी वाले ऑप्शन में अगेन चले जाना है। यहाँ पर आपने ये वाला बोनस हार्ट फॉन्ट लगा लेना है। अब आपने इसका साइज़ कम कर लेना है। साइज़ कम करने के बाद आपने इसको यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेना है। फिर आपने इसकी कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद अब आपने करना क्या, कैपिटल लेटर में एफ लिखना है, ठीक है। क्योंकि कैपिटल लेटर में एफ लिखने के बाद आपने फिर ए बी वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पर एक और फॉन्ट लगा लेना है। लीव्स फॉन्ट इसका नेम है, ठीक है। इस फॉन्ट का नेम लीव्स है, यहाँ पर लीव्स में लगाऊंगा। फिर इसकी कॉपी लीव्स वाले की करनी है। इस दफ़ा आपने कैपिटल लेटर में एल लिखना है, ठीक है। टोटल तीन फॉन्ट मैंने यूज़ किया, तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने आसानी के साथ डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, ठीक है। आप किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपने वहाँ से इसको सिंपली डाउनलोड फ्रेंड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा सा कम करके इसको यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये फॉन्ट और डिज़ाइन वगैरह लगा लिया, ठीक है। तीनों लिंक मिल जाएंगे आपको। अब आप ये जो बैकग्राउंड सब सारे इसको आपने कट करना है, मतलब इसको गैप आपने करना है। अब आपने यहाँ पर आ जाना इस वाले ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पर जिस पर मैंने टेक किया मतलब क्लिक किया, अब आपने आ जाना बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट फ्रेंड कर देना। ये देखना जो सब पीछे आ रहा था वो बिल्कुल कट हो गया। अब आपने ऊपर कार्ड वाले ऑप्शन में आ जाना है। कार्ड वाले ऑप्शन में आने के बाद आपने सेव एज इमेज पर क्लिक कर देनी है और इस डिफ़ॉल्ट के सामने इस आइकन पर आ जाना है और नीचे आना है, अल्ट्रा रखना है और सेव टू गैलरी कर देना है, ठीक है। अल्ट्रा सेव टू गैलरी, ये सेव होकर आपकी गैलरी में नेम चला जाएगा। अब आपने दूसरे ऐप में जाना है, पी एस टच ऐप में। अच्छा फ्रेंड यहाँ पर मैं पी एस टच में आ गया हूँ, ठीक है। किसी के पास अगर पी एस टच न्यू वर्जन काम नहीं कर रहा या ओल्ड वर्जन नहीं कर रहा तो नीचे लिंक मैं देता हूँ वीडियोज़ का, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को तरीका मैंने बताया हो कि आप कैसे पी एस टच डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर फिर भी आप लोगों से डाउनलोड नहीं होता तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दिया है या इंस्टाग्राम पर मैं आप लोगों को अपने वाला प्रोवाइड कर दूंगा। अब आप यहाँ पर मैंने पिक ऐड कर दी, अब इस पिक पर क्लिक कर रेडी रखनी है और प्लस पर आना है और यहाँ पर फोटो लेयर में चले जाना है। अब आपने करना कि अब हमारी बारी है नेम ऐड करने की। नेम हमने किस ऐप से लिखा था, नेम हमने पिक्सलैब से लिखा था, तो यहाँ पर आपने पिक्सलैब वाला फोल्डर ढूंढ लेना है। तो यहाँ पर डॉल वाला नेम ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर डॉल वाला नेम मैंने ऐड कर दिया, इसको यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेना है। अब आपने करना क्या, फर्स्ट लेयर की फ्रेंड डुप्लीकेट दो लेयर कर लेनी यहाँ से, ठीक है। टोटल तीन लेयर होगी, तीनों लेयर पर हमने काम करना है। आपने हर स्टेप्स फॉलो करना है और लाइक मुझे ज़रूर करना है, ठीक है। और मुझे बनाकर भी ये दिखाना है, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप भेज सकते हैं, मैं आप लोगों को रिटर्न चेक करूँगा। आप लोगों ने कोई गलती की हो तो मैं आपकी गलती निकालूंगा और ठीक करूँगा, ठीक है। अब आपने करना कि आपने फ्रेंड फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, आपने इस एफ एक्स में चले जाना है। अच्छा, एफ एक्स में जाने के बाद आपने करना क्या है, सिंपली यहाँ पर लाइटिंग में आ जाना है। अच्छा, लाइटिंग में आने के बाद आपके पास ये ऑप्शन शो हो जाता है सर्कल का, इसको यहाँ पर आपने लेकर चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर अच्छा इसको फुल ब्लैक करना है, ये ब्लैक हो गया। अच्छा, ब्लैक होने के बाद जो अगला हमारा स्टेप्स है वो ये है कि आपने इसको पहले की तरह करना है, मतलब इसको वाइट करना है, ठीक है। वाइट करने के लिए आपने करना है प्लस के साथ जो आइकन है इस पर क्लिक कर देना है। फिर ब्लेंड मूड वाले ऑप्शन में आना है। ब्लेंड मूड वाले ऑप्शन में आने के बाद इसको सिंपली फ्रेंड स्क्रीन कर देना है। जैसे ही आपने स्क्रीन करना है, पहले भी ये वाइट था, फिर हमने ब्लैक किया क्योंकि हमें ज़रूरत थी इसको ब्लैक करने की, तो हमने अब वाइट कर दिया, ठीक है। वाइट भी करना ज़रूरी था, अब वाइट कर लिया। अच्छा, एक लेयर का काम तो मुकम्मल हो गया। अब आपने दूसरी लेयर पर आ जाना है, ठीक है। फिर आपने एफ एक्स में चले जाना है, ठीक है। एफ एक्स में जाने के बाद अब आपने करना क्या है, रहना इसी वाले ऑप्शन में बेसिक में। अब यहाँ पर आपने आ जाना ड्रॉप्स एंड शेडो वाले ऑप्शन में, ठीक है। ड्रॉप एंड शेडो में आने के बाद यहाँ पर ये देखा 19 पे आ रेडी है,
इसका एंगल जो है ना ये 180 पे कर देना है, मतलब 180 पे कर देना है। ये 90 पे यार रेडी था लेकिन आपने 180 पे कर देना है, यहाँ तक हो गया। ये बलार जो है ना ये 8 पे यार रेडी है, आपने इसको 5 पे कर देना है। डिस्टेंस 4 पे यार रेडी है, आपने इसको 8 पे कर देना है। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, एंगल 180, बलार 5, डिस्टेंस 8 और कलर ब्लैक, और टेक कर देना है, ठीक हो गया। टेक करने के बाद इसको आपने करना क्या है, बिल्कुल पहली बार की तरह सेम प्रोसेस करना है। प्लस के साथ एक्न में आना है, ब्लेंड मूड वाले ऑप्शन में आना है, लेकिन इस जगह इसका ब्लेंड मूड चेंज कर देना है आपने। पहले का हमने स्क्रीन किया था, लेकिन इस दफ़ा इसका ब्लेंड मूड यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेना है। अच्छा, दो लेयर का काम हमारा मुकम्मल हो गया, ठीक हो गया। अब आपने इस वाली लेयर में आ जाना, लास्ट लेयर में, ठीक हो गया। इसमें आने के बाद आपने फिर FX में जाना है। FX में जाने के बाद आपने बेवल में आ जाना। यहाँ पर ये 3 सा बना हुआ है, ठीक है, ये गिनती तो आप लोगों को आती होगी, ठीक होगी। यहाँ पर आपने 3 में आ जाना है। अच्छा, 3 में आ गए। 3 में आने के बाद सबसे पहले तो आपने करना क्या, इसको एंगल जो है ना ये वाइट था रेडी, आपने इसको सिंपली ब्लैक कर लेना है। और 90 इसका एंगल है यार रेडी, ठीक हो गया। कलर इसका ब्लैक करना है, और 90 इसका एंगल था, आपने 135 पे कर देना, मतलब 135 पे कर देना है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और जो ये बलार है ना ये फॉन्ट के हिसाब से होता है, ठीक है, डिस्टेंस भी फॉन्ट के हिसाब से होती है, ठीक है। अगर आप ब्रेक फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपने बलार डिस्टेंस रखना है, अगर आप मोटा कर रहे हैं उसके हिसाब से आपने रखना है, ठीक है। यहाँ पर मेरा भाई, मैंने बलार 30 पर रख लिया, डिस्टेंस भी 30 पर रख ली, कलर ब्लैक किया और एंगल 135 पर कर दिया, और टेक कर देना है। इस पर तकरीबन आपने 3 दफ़ा बेवल लगाना है, एक दफ़ा लग गया, ये 2 दफ़ा लग गया। सेटिंग आपने यही रखनी है, तीनों दफ़ा आपने सेटिंग चेंज नहीं करनी, ठीक है, आपने 3 दफ़ा बेवल लगा देना है। अच्छा, बेवल लगाने के बाद अब आपने करना क्या, इसका ब्लेंड मूड यहाँ से लैटन कर देना है, ठीक है, लैटन कर दिया। अब आपने फर्स्ट वाली लेयर में आ जाना है, ठीक है। फर्स्ट वाली लेयर में आने के बाद आपने करना क्या, आपने फिर FX में जाना है। FX में जाने के बाद आपने यहाँ से ग्लो पे आ जाना है। ग्लो में आने के बाद आपने 0.6 इसका ब्लर रखना है, कलर आपने वाइट कर देना है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। एक दफ़ा फिर इस पर स्ट्रोक लगा देना ताकि नेम ज़्यादा वाज़ह नज़र आए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नेम बिल्कुल वाज़ह नज़र आ रहा है। आपने ये वाला बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक हो गया, ठीक है। टोली रैन 30 कंटिन्यूज के टेक ऑन, बाकी जो प्रोसेस मैंने आपको बताया आपने इस पर कर देनी है। क्लिक क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने फेल एंड स्ट्रोक में आना है। फेल एंड स्ट्रोक में आने के बाद आपने इसका कलर रेड कर लेना है। रेड करने के बाद आपने इस वाले ऑप्शन में आना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है। इस दफ़ा इसका कलर येलो आपने कर लेना है। अब आपने ऊपर रहना है, इस दफ़ा इसका कलर आपने ब्लू कर लेना है। और अब आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपने इसका कलर कोई और कलर, मैंने पर्पल कर दिया, कलर यहाँ पर हो गए। अब आपने करना क्या, इस मैजिक वैन टूल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक हो गया। मोड प्लस अब कर लेना है। अब आपने डी वाले को सिलेक्ट कर लेना है, ओ वाले को भी कर देना है, एल वाले को भी और इसको भी, ठीक हो गया। अब आपने फर्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपने यहाँ पर वंग्स जो बनी इसमें आना है, फेल एंड स्ट्रोक में आना है, लेकिन पहले हमने फेल किया था। इस दफ़ा आपने नोइज़ पे क्लिक कर देना है और कलर वाइट कर देना है। और इस दफ़ा आपने 30 पे नोइज़ रखना है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये ऊपर जो बाकी बच गया ना, ठीक है, आप इस पर भी अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आऊँगा, फेल एंड स्ट्रोक में आऊँगा और यहाँ पर मैं कलर ये वाला रखूँगा, ठीक है, रेड मैंने रख लिया। बाकी यहाँ पर आऊँगा, इस पर भी कलर मैं फ्रेंड कोई और रख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर रखूँगा। बाकी यहाँ पर इसमें मैं यहाँ पर आऊँगा, ये जो लीफ सब बना हुआ डिज़ाइन इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और ग्रीन कर दूँगा। बाकी इसमें जो बचा है इस पर मैं कोई और कलर कर दूंगा, मतलब इस तरह आप कलर ग्रेडिंग फ्रेंड करते रहें, ठीक है, करते रहिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं जो मैं यूज़ करूं आप वही यूज़ करें, ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया। इस दफ़ा अब आपने करना है मोड प्लस कर लेना है, ये जो बच गया डिज़ाइन वगैरह, ठीक हो गया, आपने इसको सेलेक्ट कर देना है, ठीक हो गया। यहाँ पर ये वाला बच गया, ये वाला बच गया, ठीक हो गया। तो बाकी अब आपने फिर वो नोइज़ वाला इफेक्ट लगा देना है, ठीक हो गया, यहाँ पर, ठीक हो गया। और अमाउंट 30 पे कर देनी, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर आपका ग्लास वन रेडी हो गया, लेकिन इसकी एक कॉपी कर देनी है, कॉपी सेकंड की कॉपी करनी है, लास्ट वाली लेयर की भी एक कॉपी कर, मतलब एक ही कॉपी साहब की कर लेनी है। अब आपने इस डन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। फ्रेंड्स, आज की हमारी बात यही थी। वीडियो अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।